लोकसभा चुनाव के छठे चरण में शनिवार को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 58 संसदीय सीटों पर मतदान जारी है। चुनाव आयोग के अनुसार दोपहर 3 बजे तक देश भर में 49.20% मतदान दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 70.19%, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम 43.95% मतदान रहा। लोकसभा के साथ साथ आज ओडिशा विधानसभा की 42 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार दोपहर 3 बजे तक 48.44% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में 45.21%, हरियाणा में 46.26%, जम्मू और कश्मीर में 44.41%, झारखंड में 54.34%, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 44.58%, ओडिशा में 48.44%, उत्तर प्रदेश में 43.95% और पश्चिम बंगाल में 70.19% मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार 58 संसदीय सीटों में 49 सामान्य, 2 ST और 7 SC वर्ग के लिए आरक्षित हैं। राज्यवार उम्मीदवारों की बात करें तो इस चरण में बिहार की 8 सीटों के लिए 86, हरियाणा की 10 के लिए 223, जम्मू कश्मीर की 1 के लिए 20, झारखंड की 4 सीटों के लिए 93, दिल्ली की 7 सीटों के लिए 162, ओडिशा की 6 सीटों के लिए 64, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों के लिए 162 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों के लिए 69 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में कुल 889 उम्मीदवार मैदान में हैं। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली एवं दक्षिणी दिल्ली, हरियाणा की सभी 10 सीटों अम्बाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर और भदोही। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों तमलुक, कांथी, घाटल, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुरा और बिष्णुपुर, झारखंड की 4 सीटों गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर, बिहार की 8 सीटों वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, SC, सीवान एवं महाराजगंज, जम्मू कश्मीर की 1 सीट अनंतनाग, राजौरी और ओडिशा की 6 सीटों भुवनेश्वर, पुरी, ढेंकनाल, क्योंझर, SC, कटक और संबलपुर पर मतदान हो रहा है।